डिग्री लेने से कोई भी बड़ी पोस्ट तक चला तो जाता है, लेकिन अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो 27 साल 28 साल 29 साल के हो गए और कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो समझ लीजिए सर, आप अपने घर वालों को ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो उस खुशी को आगे तक करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, आपको ये मैं बता दूं, जो खरीदता है वो कहीं ना कहीं एक बार अपने शेयर को बेचता भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खरीद रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया के लिए, और वोडाफोन आइडिया में तीन न्यूज़ आई हैं और तीनों न्यूज़ ही अच्छी न्यूज़ हैं जो इस शेयर में इम्पैक्ट डाल सकती है। वैसे तो इसमें न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, फिर भी न्यूज़ का सिलसिला इसके अंदर चलता ही चलता जा रहा है। वोडाफोन आइडिया ने विजबी रोबोटिक्स और टिविक लैब्स के साथ साझेदारी की है 5G के ट्रायल के लिए, यानी कि इन दोनों कंपनियों के साथ मिलकर वोडाफोन आइडिया 5G की तैयारी कर रहा है ट्रायल के लिए, और ये आपको अच्छी से अच्छी सुविधा आपको देने के लिए ये तत्पर तैयार होने वाला है वोडाफोन अब आइडिया। बहुत अच्छी न्यूज है सर ये, क्योंकि 5G का आगे ज़माना है और उसकी वजह से ही इस शेयर में तेज़ी को आना ही आना है, वो आप कहीं ना कहीं आप देख लेना। फोन आइडिया सर हर तरह से हमें आकर्षित करने में लग चुका है, और कहीं ना कहीं जहाँ हमारे हाथों से इसके शेयर जाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वहीं पर ही म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और टारगेट इसके 2 से 4 या 5, 6, 7 रुपए निकल के आ रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले भी क्यों खरीदारी कर रहे हैं हमें ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा ही रिसर्च करते हैं वो हर चीज़ में, और उसकी वजह से ही वो आगे की जो प्लानिंग है उनकी उसके लिए वो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो खरीदता है वो कहीं ना कहीं एक बार अपने शेयर को बेचता भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खरीद रहे हैं कि वो बेचेंगे नहीं, किसी के भी यहाँ पर हाथ बिल्कुल भी बंद नहीं है। मैं आपको ये बता दूं सर, आप आज शेयर ले लो सर, अभी 2 मिनट बाद बेच दो, आपका मन है जब मर्जी बेच सकते हो, आपको क्या पता आपके पास क्या क्या रिसर्च है कि आगे शेयर नहीं बढ़ेगा, क्या होने वाला है इसके साथ, तो इसके आधार पर ही आप इसमें काम करते हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ सकें समझ लें सर, किसी भी खरीदारी करने की वजह से आपको उत्साह अपने जीवन में नहीं लाना है, इस बात को आप ध्यान देना सर। मैं आपको एक बात बता दूं सर, जब भी हम ज्यादा खुश हो जाते हैं तो उस खुशी को आगे तक करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, आपको ये मैं बात बता दूं, हमें करना कुछ नहीं है, जिस तरह से हम खुशी हो रहे हैं उस तरह खुशी को बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है, यानी कि अगर आप खुश हो तो अपने जीवन में आनंद लाइए और उस खुशी को निरंतर अपने ऊपर लाइए, और जितनी जगह भी आप जाइए वहाँ पर अपनी खुशियों का प्रवाह कीजिए, क्योंकि ये जो खुशी होती है सर बढ़ाने से बढ़ती है घटाने से घटती है, तो जहाँ भी जाएं मुस्कान लाएं और अपने खुशी को निरंतर बढ़ाएं सर, खुशी को बार बार दोहराने से अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और दुखी को बार बार दोहराने से और ज़्यादा दुख मिल जाता है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो जब भी आप खुश हों सर, उसको लगे कि एक दिन के लिए खुश नहीं है आप उसको लगातार 2-4 दिन तक बढ़ा के रखें खुशी को, और अब तो खुशी का ही माहौल है, और अब दिवाली का त्यौहार है सर, जो भी त्यौहार हमारे जीवन में आते हैं, दिवाली होगी, होली होगी, ईद होगी, कोई से भी त्यौहार किसी भी धर्म के लिए जो आते हैं, ये आपको बताते हैं कि थोड़ा सा अपने काम काज से थोड़ा त्याग पत्र, और उसके बाद थोड़ा अपने जीवन में अपनी फैमिली के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ खुशियों को बांटिए बढ़ाइए, क्योंकि जीवन में निरंतर आपको खुशियों को प्रवाह बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना है। तो जितने भी त्यौहार आते हैं सर, इन त्योहारों को समझिए, ये जो साल में एक बार आपको क्लिक करते हैं कि त्यौहार आ गया, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, ईद आ रही है, ये आपको अंदर से खुशी लाती है, इस खुशी को और ज़्यादा बढ़ाइए सर। जितना ज़्यादा आप खुशी को अपने दिल से बढ़ाएंगे, आपके जो त्यौहार हैं उतने ही अच्छे होने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ सर। तो खुशियों को बढ़ाना सीखिए सर, खुशियों को कम नहीं करना है आपको। एक खबर सर ये निकल के आ रही है सर के चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर के MD देवेन आर चौकसी का कहना है कि इंटरनेट के
अनुसार ही आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने ये बात भी कह दी कि आने वाला जो समय है इंटरनेट से व्यवसाय को बढ़ाने वाला है। तो जितने भी टेलीकॉम सेक्टर जिसमें VI आ गया है, एयरटेल आ गया है या जियो आ गया है, इसके अंदर आपको अपनी एक दृष्टि बनानी चाहिए और आने वाला समय जो है पूर्णतया इंटरनेट का है। आज उन्होंने ये बात कह दी है तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है सर, इस बात को भी आप समझ लें सर। जितनी भी सर वोडाफोन आइडिया में न्यूज़ आ रही है ये बिल्कुल एक दो बार इस शेयर के प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए आ रही है, चाहे उसमें कोई सी भी शक्ति इस शेयर को नीचे ले जा रही है सर। बात सुनिए सर, वोडाफोन आइडिया की वीडियो का मतलब ये नहीं कि मैं वोडाफोन आइडिया की वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि संसार के माया जाल में आपको खुश भी रहना है और अपने घर वालों को भी देखना है। जब तक के आप खुश होना नहीं सीखेंगे और तब तक के कुछ भी काम अच्छे नहीं होंगे। सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ाइए सर, क्योंकि जब आप अपने घर में कुछ भी कमा कर नहीं देते तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इस बात को और देख लेना सर, अब 21 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल के हो गए और कुछ काम नहीं कर रहे हो तो समझ लीजिए सर आप अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो, क्योंकि उनको भी लगता है कि बेरोजगार आदमी परेशान ज़्यादा करता है। एक तो मेंटली तौर पर आप भी परेशान हो रहे हैं और उनको भी लगता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो अपने लिए नहीं सर, अपने घर वालों के लिए काम करिए और छोटे से छोटा काम करने में भी ना शर्माइए, क्योंकि कुछ भी छोटा काम बड़ा हो जाता है। अगर आपने कोई बड़ी डिग्री ले ली सर और आप सोच रहे हो कि मेरी तो डिग्री बहुत बड़ी है, मुझे ये छोटा मोटा काम नहीं करना है, मेरी सैलरी 15-20 हज़ार की मुझे नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली 1-2 लाख की सैलरी चाहिए, तो समझ लीजिए सर वो जो 1-2 लाख की सैलरी आपको मिलेगी वो आपकी काबिलियत पे मिलेगी और आपके एक्सपीरियंस पे मिलेगी। डिग्री लेने से कोई भी बड़ी पोस्ट तक चला तो जाता है, लेकिन अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा वो वापस नीचे आ जाता है। तो 1-2 महीने के लिए नहीं आपको ज़िंदगी बितानी है, तो आपको शुरू से छोटे मोटे काम जो भी आपको पहली नौकरी मिले उसको आपको करना है। को काम को अपनी तरफ लाने के लिए भी एक मेथड होते हैं और लक्ष्मी को लाने के लिए भी अपने एक मेथड होते हैं, उसको आप सीखिए सर। तो वोडाफोन आइडिया में सर 5G की भी न्यूज़ आ गई है सर, और म्यूचुअल वाले भी इसमें स्टेक अपना बढ़ाते जा रहे हैं। और इस बात को आप ध्यान दे लें सर, कभी भी किसी पे विश्वास बिल्कुल भी ना करना। कितनी भी अच्छी एक न्यूज आ जाए कि आप सोचते हो कि अगले दिन से उसमें अपर सर्किट लगेगा, तो अपने मन को समझाइए सर, अपने मन को पहले कंट्रोल करें और अपने दिल को भी कंट्रोल करें, अपने शरीर को अपने माइंड से चलाएं सर। जो आपका शरीर है इसको आपके माइंड से अगर आपको चलाना आ गया कि आपको बुरी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है और अच्छी चीज़ों की तरफ आपको जाना है, तो ये आपके इशारों पे काम करता है आपका शरीर सर। इस चीज़ को सीखिए और वोडाफोन आइडिया में कुछ दिन की तेज़ी ज़रूर देखिए एक बार। वो तेज़ी नहीं भी आई तो सर टेंशन मत लेना, क्योंकि न्यूज़ का सिलसिला इतना ज़्यादा इसके अंदर आ चुका है, एक बार तो वो ज़रूर की ज़रूर आपको आगे बढ़ने के लिए शेयर को लाएगी ही लाएगी। फिर भी सर एनालाइज कीजिए और दुनियादारी से थोड़ा बच कर रहिए और अपने में मस्त रहिए, अपने परिवारों के लिए ज़िंदगी जिए। खुशियों का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, इसमें आप खुशियाँ बांटिए और अपने घर को सजाइए। बात ध्यान रखिए सर, अगर आज के दिन आप नमक और झाड़ू ले आए घर में तो धन की वर्षा होने शुरू हो जाती है, ये एक कहना है, मानते भी हैं इसको। काफ़ी लोग पुराने लोग जो हैं सर ऐसे नहीं थे, वो भी जो चीज़ें उनकी पुरानी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें उनको पता होती है, तभी वो पुरानी चीज़ें आती हैं। तो आज के दिन एक सीख वाला झाड़ू और एक नमक लेके घर पे जरूर आएँ। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत में से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।